ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜਾਂਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ किसान अंदोलन के मुद्दे ते सदी गई सर्व पार्टी मीटिंग विच भी हंगामा होया दसिया जा रहा है कि बादल नगर काउंसिल चोणां लई अपने उम्मीदवारां नूं नामजद करवाउण लई एसडीएम दफ्तर पहुंचे इस दौरान अकाली अते कांग्रेस वर्करां विचाले झड़प हो गई कुछ लोगों ने सुखबीर बादल की कार ते हमला कर दिता पुलिस प्रशासन ने इस संबंधी कोई जानकारी देने तो इनकार कर दिता है नगर निगम चोणां दी नामजदगी दौरान शरेआम फायरिंग गड्डियां दी वी भनतोड़ तरन तारण नगर पंचायत दीआं चोणां संबंधी नामजदगी भरन दौरान फायरिंग होई आम आदमी पार्टी दे वर्कर हलका इंचार्ज जसबीर सिंह सोण दी अगवाई विच जदों नामजदगी पत्र दाखल करवाउण आए तां उत्थे मौजूद कुछ कांग्रेसी वर्करां वल्लों आम आदमी पार्टी वर्करां वल्लों कुट मार करके नामजदगी फाइलां खोह के पाड़ दित्तियां गईआं इस संबंधी गलबात करदे आम आदमी पार्टी दे आगू गुरदेव सिंह लाखणा ने साफ कहा कि हलका विधायक सुखपाल सिंह भुल्लर बौखलाहट विच आ गए हन इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बन के सब कुछ हुंदा वेख रही है उधर दूजे पासे जदों कांग्रेस पार्टी वल्लों अकाली दल दी भी फाइल जमा नहीं करवाउण दित्ती गई तां अकाली दल दे वर्करां वल्लों नारेबाजी कीती गई इस दौरान कांग्रेस पार्टी वल्लों पुलिस दी मौजूदगी विच फायरिंग कर दित्ती गई इस मगरों घटना दे हलका खेम करन तो साबका विधायक विरसा सिंह वलटोआ ने करड़े शब्दां विच निंदा कीती है ते पुलिस दी स्टिल्ली कार गुजारी ते वड्डे सवालिया चिन्ह लाए हन जानकारी अनुसार पिखी विंड विच कांग्रेस पार्टी वल्लों कीती गई हुल्लड़बाजी विच 33 राउंड फायर कीते गए हन अते सड़क ते खलोतियां गड्डियां दी वी भनतोड़ कीती गई है जिंदगी मौत दी लड़ाई बन चुका संघर्ष चुनौतियां सर करदा होया जित दी मंजिल वल अगे वधेगा बुर्ज गिल भारतीय किसान यूनियन एकता डकौदा दे प्रधान बूटा सिंह बुरजगिल जनरल सकत्तर जगमोहन सिंह पटियाला ने पत्रकारां नाल गलबात करदिया कहा कि खेती विरोधी काले कानून अते बिजली सोध बिल 2020 खिलाफ लड़ाई हर हालत विच जीती जाएगी आगुआं ने कहा कि मोदी हकूमत अजिहा सारा कुछ विश्व व्यापार संस्था कौमांतरी मुद्रा फंड संसार बैंक ते थोपियां शर्तां तहत चंद उच्च अमीर घराणियां समेत होरना दे हितां लई कर रही सी किसान अंदोलन दे चलदिया दिल्ली दे कई डीसीपी उत्ते डिगी गाज जिल्यां तो हटाए गए खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मौके हुई किसान ट्रैक्टर परेड दौरान हिंसा अते गड़बड़ नूं रोकण विच असफल रहे पुलिस अधिकारियों उत्ते गाज डिगनी शुरू हो गई है दिल्ली दे उपराज्यपाल दे आदेशों उत्ते आज दिल्ली पुलिस ने कई जिल्यां विच डीसीपी अते वधीक डीसीपी दे तबादले तैनाती आदेश जारी कीते गए आउटर नॉर्थ जिले दे डीसीपी अते वधीक डीसीपी वन दोवां आईपीएस अधिकारियों दा तबादला कर दिता गया है सुखबीर बादल दे हमले तो भड़के मजीठिया कैप्टन सरकार नूं घेरिया जलालाबाद विच श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल दे काफले ते होई फायरिंग दी अकाली दल ने सख्त निखेधी कीती है अकाली दल दे जनरल सकत्तर विक्रम मजीठिया ने इस घटना दी निंदा कीती है मजीठिया ने दोष लाउंदिया कहा कि गृह मंत्रालय तक कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल है जो 1.5 साल तो ही घर बैठे हन इसे लई सूबे च कानून व्यवस्था दा इह हाल हो गया है उन्हां कहा कांग्रेस चोणां तो भज रही है क्योंकि इन्हां ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है इसलिए हुण कांग्रेस चाहती है कि लोगों नूं डरा धमका के चोण जीत ली जाए उन्हां दोष लाउंदिया कहा कि इस हमले दी पहलां तो ही तैयारी सी पेट्रोल बंब तक रखे गए सी कैप्टन वल्लों गुंडागर्दी कीती जा रही है जे डीसी अते एसडीएम दे दफ्तर विच ही अजिहे हालात हन तां चोणां किवें शांतिपूर्ण हो सकदियां हन जे चोण कमीशन ने समय सिर कारवाई ना कीती तां चोण निरपक्ष ढंग नाल नहीं हो सकेगी मजीठिया ने यह भी कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बीजेपी नूं खुश करन लई बुलाई गई है कांग्रेस भाजपा दे इशारे ते ही सब कर रही है संयुक्त किसान मोर्चे नाल गलबात लई सरकार सामने रखियां शर्तां हुण पूरियां होण मगरों ही होएगी मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया कि सरकार नाल कोई रस्मी गलबात उदों तक नहीं हो सकती जदों तक पुलिस ते प्रशासन वल्लों किसानां दे अंदोलन विरुद्ध वख-वख तरह दे जुल्म नूं तुरंत रोकिया नहीं जांदा किसान लीडरां ने कहा सरकार वल्लों गलबात दा कोई रस्मी प्रस्ताव नहीं आया पर असीं स्पष्ट तौर ते दसदे हां कि गलबात उन्हां सारे
किसानां दी बिना शर्त रिहाई तो बाद होवेगी जो गैर कानूनी तरीके नाल पुलिस हिरासत विच हन। संयुक्त किसान मोर्चा ने वख-वख थाणियां विच कई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियों ते नजरबंदी ते किसानों के वाहन जब्त करन दी सख्त निंदा की है। किसान आगुआं ने ट्विटर अकाउंट बंद करन दी भी की निंदा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री कहते हैं कि हल विच सिर्फ एक काल की दूरी है, पर दूजे पासे सरकार विरोध प्रदर्शन वाली थावां बंद कर सहूलतों में कटौती करने लोगों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चे ने वख-वख राज्यां वख-वख संगठनां दे नुमाइंदियां दी एक कानूनी टीम बनाई है। एक कमेटी हुण गुमशुदा व्यक्तियां गिरफ्तार कीते गए व्यक्तियां अते जब्त वाहनां दे मामले दी योजनाबद्ध तरीके नाल पैरवी करेगी। दसवीं अते बारहवीं दी डेटशीट जारी, प्रीख्यावां 4 मई तो शुरू होणगियां। केंद्रीय सेकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड वालों 10वीं 12वीं बोर्ड की प्रीख्या लई डेटशीट जारी कर दी गई है। बोर्ड दी प्रीख्यावां 4 मई तो शुरू होणगियां। CBSE ने दोवां क्लासां लई पूरी डेटशीट जारी की है। डेटशीट का ऐलान केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री ने ट्विटर राही किया। 4 मई तो होवेगी प्रीख्या। पत्रकार मनदीप पुनिया नूं मिली जमानत, सिंघू बॉर्डर से पुलिस ने किया सी गिरफ्तार। किसान अंदोलन की रिपोर्टिंग करते पत्रकार मनदीप पुनिया नूं जमानत मिल गई है। अदालत ने सिंघू सरहद ते पुलिस नाल दुर्व्यवहार करन दे दोष विच मनदीप पुनिया नूं जमानत दे दित्ती है। अदालत ने उन्हां नूं ए जमानत 50,000 रुपए दे निजी मुचलके ते दित्ती। हुण उस नूं अज शाम जां कल तक रिहा किया जा सकता है। मनदीप ने दोष लाया कि उसनु झूठे केस विच फसाया जा रहा है। उस समय पुलिस ने जमानत अर्जी का विरोध करदिया उसते लोकां नू पड़काउण अते कामकाज विच विघन पाउण दा दोष लगाया। रोहनी अदालत दे मुख मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने मंगलवार नू दोवां पासियां दीआं दलीलां सुणन तों बाद फैसला कीता, जिसते उन्हां मनदीप नू जमानत दे दित्ती। ऑल पार्टी मीटिंग च अहम फैसले, कैप्टन वल्लों बुलाई बैठक विच कई मते पास। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों किसान अंदोलन ते सदी गई आल पार्टी मीटिंग विच बहुत सारे मते पास कीते गए। इस दौरान ये भी फैसला कीता गया पंजाब च एक सरपार्टी वफद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं मिलन जाएगा। इस मीटिंग विच खेती कानूनां नूं वापस कराउण अते MSP दी गारंटी संबंधी भी चर्चा की गई। मीटिंग विच ए भी फैसला किया गया कि 26 जनवरी दी होई हिंसा दी न्यायिक जांच करवाई जानी चाहिदी है। इस तो इलावा किसानां ते दिल्ली विच दर्ज किए मुकदमे वापस लए जाण अते जेलां विच रखे किसान रिहा किए जाण दी भी गल की गई। कैप्टन सरकार विधानसभा विच दोबारा 3 खेती कानूनों खिलाफ मता लियाएगी अते इस नूं पास करके राज्यपाल नूं भेजेगी। 2 बार विधानसभा विच ओ प्रस्ताव पास होने तो बाद राज्यपाल इस नूं अपने कोल नहीं रख सकता, फिर असेंबली दा प्रस्ताव राज्यपाल नूं राष्ट्रपति नूं भेजना ही पएगा। ए सन अज दीआं ताज़ियां ते वड्डीआं खबरां। कल फिर तो हाजिर होवांगे नवीआं ते ताज़ियां खबरां नाल। इंद्रजीत नूं दिओ इजाज़त, धन्नवाद।